मैं हूँ राजीव चौहान और जे आई टी वाले जो है चौण मतदान में अभी भी डटे हुए हैं और अपने भविष्य की चिंता को लेकर जो है लगातार आज तीसरा दिन है। पहले आपको अगर बता दें कि पहले ये सचिवालय के बाहर यहाँ पर थे और अब ये चौड़ा मैदान में इन्होंने डेरा लगा दिया है और इनका साफ तौर से अभी भी यहाँ पर कहना है कि जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी, यानी कि जब तक इनके जो है रिजल्ट यहाँ पर नहीं निकाले जाएंगे, वो इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कुछ अलग ढंग से ये यहाँ पर कर रहे हैं और जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है सोई हुई सरकार। तो ये प्रोटेस्ट इनका लगातार जारी है अपने डिमांड्स को लेकर। डिमांड्स कोई नहीं है, इनकी जो रिजल्ट है, जो पेंडिंग जो रिजल्ट है उनको निकालने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्रदर्शन लगातार जारी है तीसरे दिन। सर पहले हम नमस्कार सर, पहले हम वहाँ सेक्रेटरीट के बाहर बैठे थे, वहाँ से मैं यहाँ रिप्लेस करके भेज दिया गया, बोला कि आप वहाँ बैठिए, वहाँ की परमिशन नहीं है। तो कल से बैठे हुए हैं, ठंड है, ना कोई मिलने आ रहा है, ना पक्ष ना विपक्ष का नेता, और हम जाएँ कहाँ हमें तो ये पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ना हमारी कोई सुन रहा है यहाँ, ना खाने पीने की व्यवस्था है क्योंकि ना वॉशरूम्स हैं, कहाँ हम जाएँ ये बताएं। यही है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करी जाएँ, चयन हो गया जो इन्होंने खोला है उसको खोला जाए, क्योंकि सुखू जी ने तो नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह वो कमीशन बंद कर दिया फैसला लेके, वैसे उनके सलाहकार थे जिन्होंने वो बंद करवा दिया। तो ये नायक मूवी तो है नहीं कि आपने एकदम से डिसीजन ले लिया, पिछले 1.5 साल से कोई उस पर अब है नहीं। एक दिन के लिए तो वो सीएम बने नहीं थे कि नायक मूवी थी कि अनिल कपूर जी एक दिन के लिए सीएम बने, एक दिन में डिसीजन लिए, और अब उस चीज़ पे कोई है ही नहीं कि हाँ वो अब चला गया ना, उसको खोल रहे हैं, पेंडिंग रिजल्ट तो वहीं से ही आने हैं, तो उसको खोल लें, हमारे रिजल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं है जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है। इन्होंने कमेटी का डिसीजन चाहे 10 दिन में आए, 5 दिन में आए, जितने दिन में भी इनका डिसीजन आए तब तक हम यहीं बैठे हैं, जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो ये डिक्लेयर नहीं कर देते, नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है रिजल्ट की, चाहे वो 903 पोस्ट कोड है, 817 है, 980 है, जितने भी हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। यही सर सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो रिजल्ट घोषित किया जाए, तब तक हम यहीं डटे हुए हैं, यहीं डटे रहेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? अंचल। अंचल, तीसरा दिन है यहाँ पर लगातार जो दिन रात आप लोग अपने रिजल्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारा राज्य पूरे देश में नंबर 1 पे है, और जब हम नंबर 1 पे आ गए तो हमें सबको सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। तो हम इस बेरोजगारी के अभिशाप को मिटाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, तो कमी प्राइवेट कंपनीज आए, अगर बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे और हॉर्टिकल्चर है या टूरिज्म है, उसके अलावा यहाँ पे कोई और फील्ड है ही नहीं, तो जितने बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो बाकी लोगों को ये ना रोजगार लाना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, तभी वोट दिए हमने। अगर हम खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो फिर सरकार का क्या काम रह जाता है? हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हम उन अगर मतलब उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ग्राउंड लेवल पे उन्हें मतलब उनके टॉप लेवल अप्रोच है तो, लेकिन हम लोग उनके साथ जाके साथ बैठ के जितने बच्चे युवा है सब एजुकेटेड है अपने सॉल्यूशन दे सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आगे मतलब डेट पोस्टपोन करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत है, सरकार को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। और ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, 2-3 सालों में तो स्पेसशिप भी चांद पे पहुंच जाती है और ये सिर्फ रिजल्ट निकालने की बात है सर, इतना मुश्किल है ये काम। कमेटी लगातार कमेटी का क्या लगता है आपको, क्योंकि पहले भी इस तरह की बात की गई है, मुख्यमंत्रियों के साथ मिल चुके, शिक्षा मंत्री के साथ मिल चुके, कमेटी अलग बार बार बना रहे, क्या लगता है इससे सुलझ पाएगा कि सरकार को पहले कम से कम? सर अगर वो कमेटी बना रहे हैं और अगर वो सॉल्यूशन निकालते हैं टाइम पे, मतलब टाइम पे विद इन टाइम, तो फिर हमें तो अपना रिजल्ट चाहिए ना सर। लेकिन अगर वो अगर कमेटी है उनका इतना स्लो प्रोसेस है कि वो 1-2 साल लगा दे सर, उससे क्या फ़ायदा हम लोगों को, हमारी एज निकल जाती है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए एक एज लिमिट होती है सर, और फ्रस्ट्रेशन कितनी होती है। हम जो कांगड़ा के बच्चे थे वो वहाँ पे चंद्र कुमार जी के पास गए और वो 10 मिनट की बातचीत में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और हम 4 साल से फ्रस्ट्रेटेड है सर। और हम सुबह आते हैं ना सर तो हमें आने के लिए अपने पेरेंट्स से आगे पैसे मांगने पड़ते हैं, हम लोग जवान हैं, हमारे हाथ पैर हैं, फिर भी हम ऐसे अपाहिज हो गए कि हम खुद नहीं कमा पा रहे सर, क्योंकि सोर्सेज नहीं है कुछ। और सर अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, हम नहीं सोचेंगे ना युवा अपने देश के बारे में, तो कौन सोचेगा सर? अब सरकार के एंड पे कमी आ रही है, सबको दिख रहा है, सरकार को ऐसा है कि अगर उन्होंने कमेटी बनाई ना 5 दिन के अंदर टाइम दो कि 5 दिन के अंदर वो सॉल्यूशन निकाले, रात दिन बैठ के, जैसे हम रात दिन बैठे धूप में और ठंड में बैठे हम लोग सफ़र करें, वो भी सफ़र करें ना, वो चीज़ होती है, हमने सरकार लाई इसलिए कि वो हमारे बेनिफिट पर काम करे। अगर उन्होंने बैठ जाना है तो वो आंसरेबल है सर, हम आंसरेबल नहीं है उनके लिए। रिजल्ट आते हैं सर, अब ये कह रही कमेटी सर, जब ओपीएस लागू करनी थी सर 5-10 दिन में ओपीएस लागू हो गई, जिसमें इतना ज़्यादा काम था, और हमारे लिए सर कमेटी, और वो कह रहे कि 2 मंथ लगेंगे कमेटी बनाने को। सर कौन सी कमेटी है ये जो 2 मंथ लगते हैं? लोगों का ओपिनियन है, लोगों ने अपना ओपिनियन दे करके रखा हुआ है कि आप 5 सीटें होल्ड करिए और बाकियों का रिजल्ट दीजिए,
तो क्या दिक्कत है सर, रिजल्ट किस लिए नहीं आ रहा है? क्या सरकार की मानसिकता नहीं है नौकरी देने की? क्या सरकार हार चुकी है कि हाँ जिनको हमको आगे नौकरी देनी पड़ेगी तो उनके लिए ओपीएस लागू करनी पड़ेगी? हमें नहीं चाहिए सर ओपीएस, मैं लिख करके देने को तैयार हूँ कि हाँ मेरी नौकरी लगती है, मैं ओपीएस नहीं लूंगा। हमें नहीं चाहिए ओपीएस, जिस ओपीएस से आने वाला युवा जो लंगड़ा पैदा हो उस ओपीएस की मार को जरूरत नहीं है, उस ओपीएस की मार को जरूरत नहीं है जिससे देश की डेवलपमेंट रुके, प्रदेश की। सर और भी जो आगे तैयारियां कर रहे हैं हमारे भाई हैं जो तैयारियां कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है? हमारे रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं तो हम किस बेस पे बोले कि हम सरकार के आगे खड़े होंगे? हमारे को सर सरकार ने एक तरह का लंगड़ा लूला कर दिया है कि हम घर वालों से भी सूटते हैं, घर वालों से गालियां खाओ, यहाँ पे सीएम साहब के पास आओ, रात भर बैठे रहो। सर रात भर लड़कियां लड़के बैठे रहे ठंड में, कोई मिनिस्टर तक नहीं आया सर इतना पूछने के लिए कि हाँ आपको रजाई कंबल चाहिए, किसने नहीं पूछा सर। हम अपनी डोनेशन इकट्ठे कर करके लड़कियों को रूम तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, खुद के लिए सर बिस्तर कर रहे हैं, तो सर स्टेट तो मार को लेते, सीएम साहब को रिजाइन दे करके मारे में से किसी एक को सीएम बना दो, हम चला लेंगे सर। मैं लिख करके देता हूँ किसी एक को बना लो, बड़े लिखे सर किसी एक को बता दो क्या देश में जरूरत है, प्रदेश में हर चीज में सर, हर चीज में हमारे हालत खराब कर दी है सरकार ने। सर देखिए हमारा मोटिव तो यही है कि सर अगर नहीं होता है तो हमारी जो है मंडे से भूख हड़ताल शुरू होने वाली है, और इस भूख हड़ताल में सर जो युवा है वो अपने बेस पे बैठ रहा है, उस युवा को क्या होता है और किस सिचुएशन में उसकी हालत जाती है उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। सर एक साल हो गया सर, एक या डेढ़ साल हो चुका है सर मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेते हुए। फर्स्ट टाइम सर हम दिसंबर में मिले तब मुख्यमंत्री जी ने जनवरी का टाइम दिया, जब जनवरी में मिले तब मुख्यमंत्री जी ने मार्च का टाइम दिया, जब मार्च में मिले तब मुख्यमंत्री जी ने जून का टाइम दिया, जब जून में मिले तब सितंबर का टाइम दिया, सितंबर में मिले तो सर दिसंबर का टाइम मिला। उसके बाद सर मुख्यमंत्री जी ने स्टेजों से घोषणाएं की हैं, उनकी हर वीडियो क्लिप्स है जो 817 का नाम लेकर के कह रहे थे कि हम रिजल्ट देंगे सर, यहाँ तक जिस सरकार के एजी तक की भी वीडियोज है कि उन्होंने कहा 3 महीने में रिजल्ट आएंगे। सर कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, कोर्ट की जो जजमेंट्स है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, जो जजमेंट लिख करके दे रही है कि 3 महीने में रिजल्ट निकाला जाए, क्या गवर्नमेंट के पास सर मतलब कोर्ट के ऑर्डर है सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हुआ है कि 2020 के हिसाब से रूल करो, सर इनको जजमेंट ही पढ़ने नहीं आ रही, उसने कहा कि कंटिन्यू किया जाए सर, कुछ कानूनी कुछ नहीं है सर। जब सरकार का लीगल डिपार्टमेंट कह रहा है उससे बड़ा कौन है सर, सरकार ने लीगल डिपार्टमेंट किस लिए बैठाया? कुछ भी चीजें आ रही है तो दे चीजें आकर तो कौन होते हैं सर, सीएम साहब का एक्शन होता है सर लेने के लिए। जैसे अभी कहा कि सर एक पोस्ट कोड था 447, उनका सर एक दिन पहले वो राजा साहब जी से मिले, अगले दिन सर ऑर्डर हो गया, 4 दिन के बाद रिजल्ट आया, इसे कहते हैं सर सीएम। वो सीएम है सर जिन्होंने देश को मतलब प्रदेश को सजाने में काम किया, आज वो युवा नौकरी कर रहा है सर, और हम जो है इस शासनकाल में सर भटक रहे हैं सड़कों पर, ये है सर हमारी स्थिति। जी सर मेरा नाम सुमित है और मैं पोस्ट कोड 817 का अभ्यर्थी हूँ। तो सर आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने लोग पूरी रात शिमला की ठंड में यहाँ बैठे हैं, आपने पहले दिन देखा होगा सचिवालय के बाहर, कि किसी भी नॉर्मल इंसान से आप पूछेंगे कि आप पूरी रात बाहर रह सकते हैं शिमला में, रात काट सकते हैं, तो वो बोलेगा क्यों, तो हम क्यों बैठे हैं? उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो हमसे वादा किया जाता है हर बार, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आ रहे, इतनी बार हम मिल चुके हैं और हर बार हम आश्वासन लेकर जाते हैं। तो पिछली बार जब हम 18 तारीख को सीएम सर से मिले थे उन्होंने बोला था कि आपका मामला कैबिनेट में था और फाइल जो है वो विड्रॉ की गई है और कुछ मंत्री इसमें सहमत नहीं है, तो आप उनसे जाके मिलो। तो जैसा कहा गया हम सभी मंत्रियों से मिले, विभिन्न मंचों पे सरकार गांव के द्वार वहां पे हम जाके मिले, तो जब कैबिनेट की बात आई तो हम ये देखने आए थे कि कैबिनेट में हमारा मामला सॉल्व होगा कि नहीं, और वहां हमें पता चलता है एक सब कमेटी का गठन कर दिया गया। सर जब ओपीएस की बात थी और बीजेपी पूर्व सरकार जो थी उन्होंने सब कमेटी का गठन किया था, तो इसी सरकार के मंत्री कहते थे कि जब किसी मामले को लटकाना होता है तो उसके लिए सब कमेटी का गठन कर दिया जाए। तो सर आज हम क्या समझे कि अब ये सरकार जब सत्ता में है तो इनकी यही मानसिकता है, इसी वजह से इन्होंने सब कमेटी का गठन किया है कि इस मामले को थोड़ा और लटकाया जाए। हमें पता है कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, तो क्या ये जो बीच का टाइम है इसको निकालने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया है? और सर अभी जैसे पता है हमारे उप मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ है, हम उसमें शोक व्यक्त करते हैं, तो अब सर उन्हें उस सब कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया, तो कैसे मान लें हम सर कि हमारा रिजल्ट जल्दी आएगा और हम उठेंगे तभी अब जब हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। थैंक यू। तो ये आपको तस्वीरें हमने चौड़ा मतदान से यहाँ पर दिखाई और एक ही बात है कि यहाँ पर डटे रहेंगे।